वेलकम बैक टू माय चैनल। में फिर से आ गई हूँ आपसे थोड़ी सी बात करने के लिए। तो यहाँ मैं सिंपल ये बताना चाहती हूँ ना कि जब आप जॉब पे होते हैं, बच्चे भी छोटे होते हैं, तो सफाई करना, जॉब, खाना, सारा कुछ मैनेज करने में बहुत दिक्कत जाती है। लेकिन क्योंकि हम औरतें हैं, हम चाहे वर्किंग हो चाहे हाउस वाइफ हो, सफाई करना आई थिंक हमें लगता है काफ़ी मस्त हो जाता है कि सफाई करने के बाद जो आपको संतुष्टि है, जो सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, उसका कुछ नहीं कहना। अच्छा, खासकर जब फेस्टिवल आते हैं, लाइक नवरात्र हो गया आपका, या फिर जैसे दशहरा हो गया, दिवाली, दिवाली की आप लोग सफाई पूरे घर की करते होंगे, तो ऐसा है ना कि हमारे यहाँ मोस्टली क्या होता है, नवरात्र के समय स्पेशली किचन क्लीनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अंडा वंडा जैसे एग वगैरह हम लोग कभी भी खाते हैं तो ये होता है कि थोड़ा सा गंदगी रह जाती है। तो मोस्टली हम लोग ट्राई करते हैं कि नवरात्र के समय कम से कम किचन क्लीनअप कर लें। तो दोस्तों, बस मैं आपके साथ लेके आई हूँ एक मोटिवेशन फॉर क्लीनिंग, कि जैसे आपके बच्चे भी छोटे हों, ऑफिस भी हो, और कभी कभी क्या होता है संडे के दिन भी हमारी मीटिंग आ जाती है। तो आज के दिन ऐसा ही कुछ हुआ कि लास्ट से मुझे मालूम पड़ा कि 11:30 से मेरी मीटिंग है, तो सारा कुछ मैंने काम कैसे वाइंड अप किया और ये छोटा सा आपके साथ मैंने शेयर किया। फ्रेंड्स, दोस्तों, कुछ भी अच्छा लगे तो एक क्विक रिमाइंडर आप सबके लिए फिर से कि प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इट मीन्स लॉट टू मी फ्रेंड्स। जल्दी से 1K सब्सक्राइबर पूरा करने में मेरी हेल्प करें, और जिससे मैं इन फ्यूचर आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूँ। दोस्तों, हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बस देखिए, कल की वीडियो से अब कंटिन्यू करते हैं आगे का। कल तो देखिए हम लोगों ने मिलकर के मिठाई बनाई थी, कोकोनट के पेड़े और लड्डू। इसके बाद दोस्तों, ये नेक्स्ट डे मतलब संडे मॉर्निंग का दिन है, और मैंने अपने हस्बैंड ने सोचा कि बस अब आज कुछ भी करके बस डीप क्लीन करना ही करना है पूरे किचन को। तो ये देखिए वो भी लग गए हैं साथ में। तो हम क्या करेंगे, फटाफट से आरओ हो गया सारा कुछ, इसको क्लीन करेंगे, इंडक्शन, माइक्रोवेव सबको हटा हटा के। जो शेल्फ़ आपको दिख रही है ना बगल में, जहाँ वो क्लीन कर रहे हैं, वो 4-5 जो उसकी रैक की शेल्फ है, इसको हम पूरा डीप क्लीन करेंगे, सारा सामान निकाल करके, और इसको हम अच्छे से क्लीन करके वापस इसमें सामान लगाएंगे। दोस्तों, हमेशा साल भर में लगभग 1-2 बार ही इसको हम पूरा सामान निकाल के क्लीन कर पाते हैं। रफली तो चलिए हम क्लीन कर लेते हैं, बट ज़्यादा नहीं हो पाता है। अच्छा, मैंने क्या सोचा कि मैं पहले फटाफट से खाना बना लूँ, क्योंकि छोटे बच्चों के साथ दोस्तों अगर आप खाना नहीं बनाएंगे, क्लीनिंग में लग जाएंगे, तो काफ़ी दिक्कत होती है, उन्हें भूख लगती है, तो आप क्या करोगे, क्या दोगे। और मुझे ये भी लगता है कि खुद को भी अगर पहले खाना वाना बन जाए, प्रॉपर सारा कुछ हो जाए, तो उसके बाद फिर क्लीनिंग करने के बाद आपको लगता है नहा धो करके सीधे खाना मिल जाए, लेकिन खाना ना बनाना पड़े, मेरा तो यही मानना है। तो यहाँ देखिए सारा सामान निकाला जा रहा है, सानवी भी लग गई है पापा की हेल्प करने पे। दोस्तों, बच्चों को यही तरीके होते हैं धीरे धीरे सिखाने के, कि कैसे वो घर के काम सीखें। पढ़ाई तो इम्पॉर्टेंट है ही, हम भी थे तो पढ़ाई भी करते थे, लेकिन साथ में घर के काम भी ज़रूरी थे। और यहाँ देखिए मैंने अपनी चपाती, सब्ज़ी, भिंडी की बनाई थी मैंने सब्ज़ी, और मैंने अपनी दाल भिगो के रख दी है। इससे क्या होगा कि सब्ज़ी रोटी मेरी बनी बनाई रहेगी, तो ये हम फटाफट से खा लेंगे, हमें जब भी भूख लगेगी, स्पेशली नहाने के बाद भी हिम्मत नहीं पड़ती, थकान बहुत हो जाती है। लाइक दाल भिगो के रख दी है, तो दाल हम फिर इसको गरम गरम बना लेंगे जब हमें खानी होगी दाल चावल के साथ। अच्छा, चावल का थोड़ा कन्फ्यूजन था, क्योंकि कल हमने बनाई थी तहारी, इसमें सारा ड्राई फ्रूट सारा कुछ मिला करके, तो ये था कि चलो अगर चावल की नीड होगी तो ही बनाएंगे। तो दोस्तों, मैंने क्या किया, मेरा जैसे खाना पूरा किचन में जब कम्प्लीट हो गया, तो मैंने पहले सोचा कि पहले पूरी सिंक को क्लीन कर लूँ, साफ़ कर लूँ, कि एक क्लीन किचन से एक स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि डिब्बों को भी रखना है, सारे डिब्बे मैं भी निकालूंगी, शेल्फ क्लीन करूंगी, तो यहाँ स्पेस होना चाहिए सारा डिब्बा रखने के लिए। तो मेरा टिप नंबर 2 यही है कि पहले अपने सिंक को क्लीन करें अच्छे से। ये देखिए यहाँ लगभग सारा सामान लग गया है क्लीन होकर के, मेरे हस्बैंड लगा रहे हैं। दोस्तों, यही है, वर्किंग है, हम दोनों वर्किंग हैं, तो अगर मिल बांट के काम नहीं करेंगे तो काम कैसे हो पाएगा। लाइक मैं भी सुपर वूमन तो हूँ नहीं है, सुपरमैन तो हूँ नहीं कि सारा इकट्ठा मैं ही करती रहूँगी, वो भी मेरी पूरी हेल्प करते हैं, एंड आई एम वेरी लकी कि ही इज़ वेरी हेल्पफुल टू मी। दोस्तों, बस मैं यहाँ क्या करूँगी, सारे फटाफट जिस रैक में जितने भी डब्बे हैं, मैं सबको निकाल लूँगी और मैं इनको ऊपर ऊपर से क्लीन करूँगी। वैसे तो जब भी कुछ खाली होता है तो मेरी हैबिट है कि मैं उसको धुलकर ही मतलब उसमें सामान रीफिल करती हूँ, बट फिर भी ऐसा लगता है ना कि ओपन सब किचन है, डिब्बे सारे बाहर हैं, तो कितना भी करिए, इंडियन किचन है तो डस्ट तो जमनी ही जमनी होती है। तो बस मैं फटाफट से सारे डिब्बे मैंने इकट्ठे कर लिए, और मैं क्या करूँगी, अच्छे से सर्फ घोल करके और विम बार, या फिर आप, मेरे पास एक विनेगर का सॉल्यूशन का लिक्विड मैंने बनाती हूँ घर पे, उसमें विनेगर, बेकिंग सोडा, वाटर एंड लिक्विड सोप जो होता है उसको मिला करके मैं एक सॉल्यूशन तैयार करती हूँ, इससे काफ़ी इजी हो जाता है क्लीन करना। तो बस मैं फटाफट से क्या करूँगी, सारे डिब्बे इसमें यहाँ क्लीन कर दूँगी। देखिए साथ साथ में हस्बैंड भी यहाँ जा रहे हैं कुछ ना कुछ उनका भी कपड़ा अपना धुलने के लिए।
लगभग मेरे सारे डिब्बे देखिए यहाँ धुल गए हैं। और इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको यहीं हाथों हाथ अपने कपड़ा सब पोंछ करके इनको मैं अपनी शेल्फ़ में लगाऊँगी। अच्छा दोस्तों, ये सब करते करते हमें लगभग 10:15 हो गया था, तभी मेरे ऑफिस से आया कि 11 बजे से मीटिंग है। ये एक संडे मीटिंग थी जो कि अचानक बताई गई हम लोगों को। अच्छा मेरा कुछ भी प्लान नहीं था, मेरा अच्छा किया कि मैंने कम से कम खाना बना के रख दिया था, तो चलिए एक काम से मेरा ये हो गया कि चलो एटलीस्ट मैं अगर निकलूँगी तो कुछ खा के निकलूँगी और प्लस बच्चे भी मतलब टेंशन फ्री रहूँगी कि चलिए बच्चे भी खा लेंगे। लाइक तो बस फटाफट देखिए मैंने अपने सारे डब्बों को मैंने वाइंड अप किया फटाफट से और मैं यही इसी स्टेप पे क्या करूँगी, इनको कपड़े से पोंछ भी दूँगी। इसीलिए फ्रेंड्स क्या होता है ना कि आप जब पूरा दिन प्लान करके चलते हो ना, टाइमली सब कुछ करते हो, तो देखिए मेरे यहाँ खाना भी बन गया है, मेरी किचन भी लगभग क्लीन हो चुकी है जितना हमने मतलब सोचा था। थोड़ा फासले यहाँ काम करेंगे, बस मेरा एक काम रह गया था, पोछा लगाना। मैंने फटाफट से फिर लास्ट में झाड़ू लगाया था क्योंकि टाइम नहीं था, मुझे नहाना भी था, आज हेड वॉश भी करना था और थोड़ा सोचा खा के जाऊँ, पता नहीं मीटिंग कितनी लंबी चले, तो इसलिए ऐसे ही रहा। दोस्तों यही है, त्योहारों में अगर आप के अंदर मोटिवेशन हो ना सफाई करने का, तो आप सफाई कर ले जाते हो, नहीं तो क्या होता है ना कि बस ऐसे ही मतलब आलस करते रहते हैं हम लोग कि नहीं अभी करेंगे बाद में करेंगे, इस तरह से काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं भी ऐसे ऐसे मेरी मम्मी भी करती थी, मैंने मम्मी से ही सीखा है कि लाइक फेस्टिवल टाइम पर लाइक स्पेशल दिवाली नवरात्रों में हम लोग पूरे घर के सामान निकाल निकाल के, मतलब हम मेरा भाई और हम और पापा तो ऑफिस में बिजी रहते थे, मतलब मम्मी हम तीनों मिलकर के पूरी किचन क्लीनिंग और पूरे घर में सारे सामान निकाल निकाल के लाइक एक मतलब संतुष्टि मिलती थी जब सामान धुल जाए या क्लीन हो जाए या एक हाथ आप फेर दो कपड़े का, तो वो ऐसा लगता है कि हाँ अब ये जॉब डन है। तो दोस्तों वही मेरी हैबिट पड़ी हुई है कि कम से कम एटलीस्ट ऐसे तो हमें टाइम नहीं मिल पाता है इतना क्लीन करने का, लेकिन हाँ चलिए फेस्टिवल्स में हम लोग क्लीन कर लें तो थोड़ा ठीक है, नहीं तो जॉब भी है बच्चे भी हैं, बहाने तो बहुत है काम नहीं करने के, लेकिन हाँ ये है कि जब आपको करना है तो करना है। तो बस देखिए फटाफट से मैं यहाँ पर अपने सारे डिब्बे धुल दूँगी पानी से अच्छे से, ये एकदम क्लीन हो गए हैं और बस अब मुझे इसके बाद तो क्या कहते हैं, बाबू भी इधर थोड़ा परेशान था, उसको भी कुछ ना कुछ चाहिए था खाने के लिए, तो बस मैं उधर थोड़ा उसको देने चली गई थी खाना, वो उसको भूख लग रही थी। और यहाँ देखिए मेरी ईयरली शेल्फ भी लगभग ऑलमोस्ट 95% डन है, बस नीचे का हम क्लीन कर लेंगे अच्छे से। इसमें मैं एक शीट भी छाती हूँ जो मैंने अमेजन से परचेज़ की थी, आपको इसलिए मिल जाएंगे, लेकिन शेल्फ शीट्स होती हैं उससे क्या होता है ना कि कभी कोई तेल का सामान या गीला सामान हो ना तो उसमें स्पॉट नहीं पड़ता है, तो मैं वही यूज़ करती हूँ मोस्टली। तो बस लास्ट यही बचा हुआ है कि मैं इसको क्लीन कर लूँगी। इधर मेरा RO भी क्लीन हो गया है इधर, और डब्बे में अपने कपड़े से पोंछ पोंछ के लगा दूँगी फटाफट से। और उधर बच्चे और मतलब दोनों सानवी एंड बाबू दोनों इन्जॉय कर रहे हैं अपना सब्ज़ी एंड रोटी, मैं भी टेंशन फ्री हूँ, चलिए कम से कम बच्चे खा पी रहे हैं इसीलिए। अब देखिए दोस्तों बस अब टाइम ज़्यादा नहीं है, तो बस मेरे हस्बैंड बस फ्रिज को क्लीन करने में लगे हैं ऊपर ऊपर, अंदर की क्लीनिंग मैं मोस्टली ये कर लेती हूँ जब भी ग्रॉसरी शॉपिंग होती है। तो बस मैंने क्या किया, आज झाड़ू ही मारा है, पोछा मारने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था दोस्तों। तो बस फिर मैं निकल गई थी नहा धो करके, पूजा करके, थोड़ा सा एक दो रोटी खा करके मीटिंग के लिए। उसके बाद मैं लगभग 3 बजे करीब घर आई थी, फिर मैंने अपना बचा हुआ दाल चावल वगैरह सारा कुछ खाया था। दोस्तों बस यही है कि वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगता है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ दोस्तों आप लाइक किया करिए, शेयर किया करिए, देखिए क्योंकि ये सब वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है और मुझे लगता है कि हो सकता है आपको ये सारे वीडियोस मोटिवेशन देते हो कि आप भी अपने घर को क्लीन रखें। और क्लीन रखना मुझे लगता है हर तरह से ही बेहतर है, एक तो आपके घर में बीमारियाँ नहीं आती हैं, दूसरा आप जैसे कहते हैं ना सफाई जहाँ होती है वहीं लक्ष्मी जी आती हैं, तो आप वैसे भी सोच सकते हो। तो मुझे लगता है कि क्लीन साफ़ सुथरा रहना, अब कोविड के बाद से तो ऐसे भी हर चीज़ को आप सैनिटाइज ही कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि आपके डेली हैबिट में होना चाहिए कि आप क्लीन करो। लेकिन हाँ डीप क्लीनिंग का वीडियो में आपको आप देख सकते अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।